हेलो मेरे फूडीज, कैसे हैं आप। वेलकम टू अफ्रीन्स टेस्टी किचन। और आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट केक, और हम इसे ओवन पे नहीं बनाने वाले, हम इसे बनाने वाले हैं राइस कुकर के बाउल में, वो भी स्टव के ऊपर। जी हाँ, आपने सही सुना। चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। आप तो सबसे पहले हम लेंगे 1 से 1.5 कप मैदा, और ये है 1/4 कप पाउडर्ड शुगर, और ये है बेकिंग पाउडर वनीला एसेंस, और ये है बेकिंग सोडा। और इसके लिए हमें लगेंगे लगभग 2 अंडे और 50 ग्राम्स ऑफ बटर, और ये है 50 ग्राम्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल, और 1/2 कप ऑफ मिल्क। और ड्राई फ्रूट्स के लिए मैंने ये सब लिया है, ये है किशमिश, टूटी फ्रूटी, बादाम, काजू और वॉलनट्स। कुकर का बाउल जो है उसको हमें प्री हीट करना पड़ता है, तो इसको हमने स्टोव पे रखा है हाई फ्लेम पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें नीचे सॉल्ट जो है सी सॉल्ट यूज़ किया है, उसका एक लेयर डाला है, और उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड रखा है। तो अभी ये 10 मिनट प्री हीट होगा, उसके बाद में हम रखेंगे अपना केक। तो आइए अब बनाते हैं हम केक का बैटर, जब तक कि ये प्री हीट होता है। तो हम लेते हैं एक बाउल, और इस बाउल में पहले हम लेंगे हमारा बटर, बटर को लगभग हमको 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। और हम लेंगे हमारा ऑयल, आप अपने स्वाद अनुसार भी शुगर अगला या कम कर सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अब हम अंडे ऐड करेंगे, और अब हम ऐड करेंगे हमारा वनीला एसेंस। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जो कि है मैदा और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अब हमको इसे अच्छे से सीव कर लेते हैं, ताकि मिक्सचर जो है अच्छे से मिल जाए, कोई भी लम्स ना रहे। आप अगर चाहें तो 2-3 बार भी इसे छान सकते हैं, फिर मैं अभी 1 बार कर रही। तो अब हम इस मिक्सचर को मिलाएंगे, हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करेंगे, मतलब आपको ऐसे कट करना होगा और फिर से फोल्ड करना होगा, कट एंड फोल्ड। हमारा बैटर रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें डालने वाले हैं हमारे जो है ड्राई फ्रूट्स, ये है बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश, और टूटी फ्रूटी में जो है हम थोड़ा सा मैदा ऐड करके डालेंगे, क्योंकि ये नीचे जाके बैठ जाएंगे वरना। जो कि अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है अपने टिन में जाने के लिए। मैंने लिया है ये टिन एल्युमिनियम का, आप कोई भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैंने जो है बेकिंग पेपर डाला हुआ है, ताकि मेरा केक जो है ना चिपके नीचे। तो आइए बैटर डालते हैं इसमें। तो अब हमने हमारा बैटर जो है केक टिन में डाल दिया है, और इसको 2-3 बार आप पैट कीजिए, ताकि पूरी तरह से जो केक का बैटर है वो पूरा सेटल हो जाए। तो आइए अब हम इसे प्लेस करते हैं हमारे राइस कुकर के बाउल में, जो कि 10 मिनट से प्री हीट हो रहा है।
इसको आप बहुत केयरफुली प्लेस कर दीजिए बीच में। और अब हम लोग इसका ढक्कन डाल देते हैं और अब हम इस केक को मीडियम हाई में लगभग 45 मिनट्स रखेंगे। पहले 10 मिनट्स मीडियम हाई पे रखना है और उसके बाद बाकी सारा टाइम हमको इसे सिम में करना है। तो अब हमने हमारा केक निकाल लिया है, इसको इन्वर्ट किया है। बीच बीच में मैंने नाइफ से चेक किया इसको और लगभग मुझे 1 आवर लगा। आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से इसे रख सकते हैं। बीच में अगर आप चेक कीजिए, अगर आपका केक कुक हो चुका है तो आप निकाल दे सकते हैं। बीच में नाइफ से चेक कीजिए तो अभी आप देखिए हमारा केक जो है एकदम तैयार हो चुका है और कितना यम्मी लग रहा है। तो आइए अब हम कट करते हैं हमारा केक जो कि बहुत ही नरम और स्पॉन्जी है और बहुत इजीली कट हो चुका है। और ये देखिए कितना क्लीन निकल आया है वो, और देखिए कितना स्पॉन्जी है ये। हैव अ बाइट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे जो बेल बटन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।